हेलो गाइस, वेलकम टू एमएन फिटनेस। मेरा नाम शाश्वत है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या जो हाई प्रोटीन डाइट होती है क्या वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, प्रोटीन डाइट किडनी पे इफेक्ट करता है या नहीं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने ये चीज़ सुनी होगी कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी खराब हो जाती। अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये चीज़ को प्रूव कर दे कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं एंड आपकी अगर किडनी हेल्दी है ये आपकी किडनी को इफेक्ट कर देगी। इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। मैं उनको इस वीडियो में ज़्यादा ऐड नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो किडनी है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है, राइट? और किडनी का मेन काम क्या होता है? किडनी का मेन काम होता है आपके ब्लड को फिल्टर करना, उसकी सारी गंदगी को निकालना एंड उसको एक्सक्रीट करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इतना आई थिंक हम सब ने स्कूल वगैरह के अंदर पढ़ा है। मैंने ये चीज़ देखी है मोस्टली जिम के अंदर जो ट्रेनर्स हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ जो सर्टिफाइड नहीं है, जिनको न्यूट्रिशन का ABC भी नहीं आता है, बट वो लोग क्या करते हैं, अपने जो शिष्य हैं उनको बोल देते हैं कि भाई तुम प्रोटीन डाइट ले लो, रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अब आपका दोस्त प्रोटीन डाइट ले रहा है, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंसेस आने लग गए, आपकी बॉडी में उतनी जल्दी डिफरेंसेस आ नहीं रहे हैं, वो प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट कर चुका है, आप अभी भी नॉर्मल डाइट पे हैं, उसके पास वे प्रोटीन का सप्लीमेंट वो यूज़ कर रहा है, आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब उसको देख के वो ट्रेनर आपको भी बोलता है, आप भी हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं और होता क्या है, आपकी किडनी खराब हो गई। नाम किसका खराब हुआ? प्रोटीन का। गलती किसकी थी? आपकी, क्योंकि आपने बिना जाने सोचे समझे प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट कर लिया बिना किसी टेस्ट और बिना किसी चीजों के। तो सबसे पहली चीज, जो लोग जिम जा रहे हैं जिनको उस चीज का पता नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट होने से पहले या वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। एक, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना है। आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो आपका शुगर लेवल टेस्ट होता है आपको वो करवाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता रहे आपकी ब्लड में आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। सेकंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को KFT करवाना बहुत जरूरी है, किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट 6 मंथ्स के अंदर करवाना चाहिए। रिजल्ट देख रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट से या प्रोटीन डाइट से, वो आपकी बॉडी की ऊपरी है, आपको एक्सटर्नल दिख रहे हैं वो रिजल्ट, इंटरनली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। वो रिपोर्ट्स, वो डॉक्टर्स वही आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, कुछ लोग, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने, आई एम ऑन स्टेरॉइड्स, मेरे को बॉडी जल्दी बनानी, मैं स्टेरॉइड्स पे हूँ एंड मेरे को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ, उससे मेरी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, मेरी किडनी बैठ गई। मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे स्टेरॉइड वाली बॉडी है, और घर के अंदर बोला तो मार पड़ेगी, मेरी किडनी खराब हो गई उन स्टेरॉइड्स की वजह से। अब क्या हुआ, किसी ने पूछा, पेरेंट्स ने पूछा या आस पड़ोस के लोगों ने पूछा, मैं ये तो बोल नहीं सकता ना कि भाई मैंने स्टेरॉइड्स लिए और मेरी किडनी खराब हो गई, मैं क्या बोलूंगा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहा था किडनी खराब हो गई। तो करा किसी ने और भरा किसी ने। सो हाई प्रोटीन डाइट और किडनी के बारे में मेरी तरफ से बस इतना ही है आज के लिए। अगर आपको मेरी कोई कमी लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से वो कमियां ना हो। और अगर आपने कोई मिथ सुनी आस पड़ोस के अंदर इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को कवर करूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, स्टे फिट, स्टे होम।